गुड़ खाने के मेरे बताए हुए ये दो तरीके आजमा लीजिए, जिंदगी भर बुढ़ापे, बीमारियों से और इंटरनल कमजोरी से दूर रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में जो आजकल लोग बहुत बेसिकली लेते हैं लेकिन वो होती बहुत भयंकर हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड या पीसीओडी और हाई बीपी। आपने कभी सोचा है कि जब आपको डायबिटीज होती है तो आप क्या करते हैं? सीधा आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको मीठा ना खाने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि ये गोली ले लीजिए जो आपको जिंदगी भर खानी है, और उस गोली की बात सुनकर आपको लगता है ये बीमारी ला इलाज है। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो बीमारियां हैं वो होती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, और जो बीमारियां हमारे शरीर में हार्मोन के बिगड़ने से होती हैं वो ला इलाज नहीं बल्कि उनका इलाज संभव है। हार्मोन जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली हमारा शरीर ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर हमारा शरीर हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है या हमारा शरीर हार्मोन कम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। जितनी भी हार्मोन इम्बैलेंस की बीमारियां हैं उसे आप सही कर सकते हैं सिर्फ सूरज की रोशनी से। जी हाँ दोस्तों, फ्री में सूरज बहुत सारी एनर्जी देता है, ताकत देता है। सूरज की रोशनी से आप सारी बीमारियों का इलाज घर बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन ये बीमारियां कैसे खत्म हो सकती हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे, अब वो जानते हैं। आजकल हम लोग इंडोर जनरेशन बन गए हैं, मतलब हम लोग दरवाजे बंद करके, खिड़की बंद करके, पर्दे बंद करके अपने कमरे में घुसे रहते हैं। जो भी चीजें हमें चाहिए वही मिल जाती हैं और उसी सीमा के अंदर हम रहना शुरू हो गए हैं। लेकिन हमारा शरीर कुदरत ने ऐसा नहीं बनाया, हमारे शरीर को कुदरत ने बनाया है सूरज की धूप लेने के लिए, ना कि सूरज से बचने के लिए। सूरज की धूप ना लेने की वजह से ही हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारी बीमारियां आजकल फेस करनी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग सूरज की रोशनी सिर्फ 30 मिनट के लिए भी ले लें रोजाना तो आप इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन आपको सूरज की रोशनी लेनी कब है? बिल्कुल दोपहर की नहीं, बल्कि जब सूरज उगता है या सूरज जब ढलता है, तो उस 30 मिनट को आप अपने शरीर पर प्रॉपर तरीके से सूरज की रोशनी लें, क्योंकि सूरज की रोशनी से हमें मिलता है विटामिन डी, जिससे हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो हुआ सूरज की रोशनी से हमें होने वाले फायदे। अब हम बात करेंगे अपनी मेन चीज के बारे में कि अगर हमें बीपी है या कोई बीमारी है तो हम किस चीज से अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। हमारे घर में गुड़ तो होता ही होगा, लेकिन गुड़ को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए जो हम बहुत ही भयंकर बीमारी से बच पाएं, आज हम इस वीडियो में वो जानेंगे। हम लोगों में से ज्यादातर लोग गुड़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, चाय में डालकर या फिर खाने के बाद। लेकिन गुड़ का इस्तेमाल हमें करना है सुबह खाली पेट, कैसे करना है और किन बीमारियों के लिए कारगर है, तो चलिए अब उस बारे में जानते हैं। गुड़ स्वाद में नहीं बल्कि सेहत का खजाना है। गुड़ कई औषधीय गुणों से भरपूर है। ये एक ऐसा सुपर फूड है जिसके फायदे आम तौर पर लोगों को नहीं पता होता। अगर आपको भी बहुत ज्यादा एसिडिटी की समस्या है, आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक है या आपका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपको गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुड़ आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, जिससे कि आपके पेट में गैस एसिडिटी की समस्या नहीं होती। और जब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो जो भी आप कम खाना भी खाएं चाहे ज्यादा भी खाएं, वो आपको डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, और जब खाना डाइजेस्ट होगा तो वो आपके फैट में नहीं बल्कि आपके एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अगर आपके शरीर में भी खून की कमी है और आप उसके लिए कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो आज से वो दवाइयां लेनी बंद करें बल्कि गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि गुड़ में होता है बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन जो आपकी हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है, आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा को बढ़ाता है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और गुड़ एक ऐसी चीज है अगर जो एक साल का बच्चा है आप उसको भी खिला सकते हैं तो वो भी स्वस्थ रहेगा और जल्दी एक्टिव रहेगा, क्योंकि इससे हमारी हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। अगर आपको भी जोड़ों का दर्द है, जॉइंट पेन है या नसों में सूजन है तो आप गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि इसमें होता है कैल्शियम और फास्फोरस जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो ये गुड़ बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको भी बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम रहता है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, तो ऐसे में आप काली मिर्च और अदरक के साथ गुड़ खाएं। इससे आपके सर्दी जुकाम में बहुत आराम मिलेगा और आपको फ्यूचर में कभी भी अस्थमा या सांस की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। गुड़ आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार है, औषधीय गुण की तरह काम करता है, आपके शरीर को मजबूत बनाता है, एक्टिव बनाता है। तो क्यों ना इतने सस्ते और इतनी बेहतर चीज को अपनी डेली रूटीन में शामिल किया जाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको अपने डेली रूटीन में शामिल कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है। देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जब आप खाना खाएं उसके आधे घंटे बाद आप गुड़ का सेवन कर लें, या फिर आप सुबह खाली पेट गुड़ खाएं और ऊपर से गर्म पानी पी लें। अगर आप इन दो तरीकों को आजमा लेंगे तो आप खुद सोचिए इन सब बीमारी को आप दूर भगा लेंगे। तो यूं ही ढेर सारा प्यार देते रहें, मैं ऐसी हमेशा आपके लिए कुछ नया लाती रहूंगी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक
बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और एक अंदरूनी कितने ताकत हो ना, एक ताकत सी आ जाती है कि नया कुछ करके और बहुत बेहतर करके दिखाना है और ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर जाना है, तो वो वाली फीलिंग अंदर से आती है। तो ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।